हर समय में नए नए संदर्भ में हमें शिक्षा नीति देश दुनिया में हो रहे सामाजिक आर्थिक विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के कारण नई जमाने के नई पीढ़ी के लोगों के सामने शिक्षा प्रणाली के अंदर कौन सी बातें रखनी चाहिए, किस स्तर पर कौन सी चाहिए, एक नीति की आवश्यकता हमें थी। लेकिन शिक्षा के आधारभूत मूल्य जो है वो परिवर्तन नहीं होते, नीतियां परिवर्तन होती है। नीति बनती है आप यदि शिक्षा के विजन, वो विजन जो है वो जीवन मूल्यों से, संस्कृति से, किसी देश के उस देश के एक सांस्कृतिक परंपरा से, वहां के इतिहास के बोध से, वहां के जीवन के बारे में जो लक्ष्य है उससे, वहां के जो वर्ल्ड व्यू है, विश्व दृष्टि है उससे नीति बनती है। इन सारे चीजों में भारत की एक विशेषता है, इसलिए भारतीय संस्कृति के आलोक में जब शिक्षा कहते हैं, शिक्षा तो एजुकेशन तो सबके लिए है, करना क्या है, जैसे अभी पता है इंजीनियर डॉक्टर बनना है, फिजिक्स पढ़ना है, MBA पढ़ने हैं, IIT में जाना है, वो ऑस्ट्रेलिया में करो, दिल्ली में करो, लॉस एंजल्स में करो, जर्मनी करो, फ्रैंकफर्ट में करो, अफ्रीका में करो, फर्क क्या पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिक्षा केवल वो नहीं है। इसलिए ये भारतीय संस्कृति के आलोक में शिक्षा जब कहते हैं, ये जो विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू है, जो जीवन के सांस्कृतिक परंपरा है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन के लर्निंग टू बी जो रिपोर्ट आया उसमें यही कहा, एजुकेशन इज द सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस एंड नो नेशन इज आइडेंटिकल विद अदर, दैट इज व्हाई एवरी नेशन विल हैव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू इट्स एजुकेशन। इसलिए शिक्षा ऐसे एक राष्ट्रीय कॉन्शियसनेस के, एक चेतना के, राष्ट्र की चेतना के अद्भुत अभिव्यक्ति है। इसलिए राष्ट्र की चेतना क्या है, तो इसलिए शिक्षा नीति के निर्धारण करने वाले लोग उस संस्कृति के आलोक में, उस राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में, विश्व दृष्टि के चौकट में शिक्षा नीति को समय समय पर वर्तमान युग के जो तकाजे हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखकर करना पड़ता है। इसीलिए नो शिक्षा नीति, नो एजुकेशन पॉलिसी इज ए परमानेंट पॉलिसी, हर 10 साल 15 साल में आपको नीति, नई नई नीति लानी ही पड़ेगी क्योंकि परिस्थिति बदलती है। लेकिन शाश्वत क्या है, नित्य क्या है, और जो नश्वर है, परिवर्तनीय है, वो क्या है, इसको समझना पड़ता है।